मैरी क्रिसमस टू ऑल ऑफ यू। अब जो हम एक रेसिपी बनाएंगे वो बनाएंगे हम एक बहुत ही फनी एक्टिविटी के साथ, और ये एक्टिविटी जहाँ तक मुझे लग रहा है बच्चों को बहुत ही पसंद आएगी। आप अपने बच्चों को इस एक्टिविटी में इन्वॉल्व करें और उनको भी ये कुकिंग सिखाएं, क्योंकि आज हम जो कुकीज़ बनाने जा रहे हैं ये है क्रिसमस कुकीज़ विद ए ट्विस्टेड फ्रॉस्टिंग ऑन द टॉप ऑफ इट, एंड आई एम एब्सोल्युटली एंड 101% श्योर दैट किड्स विल लव इट। सो लेट्स स्टार्ट मेकिंग द क्रिसमस कुकीज़। माई सेल्फ शेफ आनंद पन्नर फ्रॉम रोजियट होटल एंड रिजॉर्ट्स। तो कुकीज़ का डो बनाने के लिए जो बेसिक इन्ग्रीडियंट चाहिए हमें, जो रेसिपी चाहिए, वो सारे इन्ग्रीडियंट्स हमारे पास यहाँ रेडीली हैं। ये देखिए, बटर 100 ग्राम बटर है, 50 ग्राम वाइट शुगर है, 150 ग्राम फ्लार है, एक अंडा है। अगर आप एग यूज़ करना चाहें तो कर सकते हैं, नहीं करना चाहें तो आप इस एग की जगह इसको मिल्क से रिप्लेस कर सकते हैं। ये जिंजर पाउडर है एंड वनीला एसेंस। सो स्टेप्स आर वेरी सिंपल, इसमें आपको सिर्फ मिक्सिंग करना है। ये कुकीज़ का जो मेथड होता है उसमें सिर्फ मिक्सिंग मेथड होता है, आपको इसको बहुत ज़्यादा क्रीम नहीं करना है, क्योंकि अगर आप इसको ज़्यादा क्रीम कर देंगे तो आप इसको रोल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो रोल करने वाली कुकीज़ हैं वो अलग होती हैं और जो क्रीम करने वाली कुकीज़ हैं वो अलग होती हैं। हमें इनको इन कटर से काटना है रोल करके, तो हम सिर्फ और सिर्फ इन सब इन्ग्रीडियंट्स को मिक्स करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट इन्ग्रीडियंट, बटर। सो उसके बाद डालेंगे हम इसमें शुगर। हम हल्का सा इसको बटर को क्रश करेंगे और थोड़ा सा शुगर इसमें मिक्स होने देते हैं। आपका बटर सॉफ्ट होना चाहिए, आप इस बटर को हल्का सा माइक्रोवेव में डाल के भी सॉफ्ट कर सकते हैं, आप इसको हाथ से भी कर सकते हैं, हाथ से बहुत अच्छे से डो बनता है, बट इट शुड बी हाइजेनिक। हमें बहुत ज़्यादा मिक्स नहीं करना है इसको, हमारा ये बटर और शुगर बस आपस में मिल जाने चाहिए, हमें इसी रेशो तक इसको मिक्स करना है। अब हम इसमें डालेंगे हमारी जो ये फ्लार है, ये एंड जिंजर पाउडर। ये बहुत ही क्रम्बली सा डो बन जाएगा आपका, आप इसको हाथ से भी क्रम्बल कर सकते हैं। ये धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा ऐड करके डालेंगे इसमें हम। अगर आप एग नहीं यूज़ करना चाहते तो आप इसमें मिल्क यूज़ कर सकते हैं, और फाइनली आपका वनीला एसेंस। और ये आपका कुकीज़ डो देखिए बिल्कुल रेडी हो गया है। लास्ट में इसको हल्का सा हाथ से आटे की तरह गूंद सकते हैं हम, और ये देखिए आपका डो बिल्कुल तैयार है कुकीज़ का। इसको हम रखेंगे कम से कम आधा घंटा फ्रिज में रखेंगे, सो दैट ये रोलिंग करने के लिए तैयार हो जाए। आप इसको 2-3 बोल बना के रख सकते हैं ताकि ये जल्दी से ठंडा हो जाए। तो चलिए हम इसको फ्रिज में रखने जा रहे हैं, और ये आधा घंटा आपको फ्रिज में रखना है ताकि आप इसको ईजिली रोल कर सकें। तो ये देखिए हमारे डो ठंडे हो गए हैं, हमें बहुत ज़्यादा ठंडा भी नहीं करना है वरना फिर से इसमें क्रैक आएगा। तो हम इसको रोल करेंगे, तो थोड़ी सी ये हम इसमें फ्लावर डस्टिंग करेंगे ताकि ये आपके स्लैब पे ना चिपके, या जहाँ पे हम इसको रोल करेंगे वहाँ ना चिपके, हल्का सा फ्लावर डस्टिंग, और फिर हम इसको हल्के हाथ से इसको रोल करेंगे। जैसे घर पे आप चपाती रोल करते हैं वैसे ही आपको इसको रोल करना है। सो ये देखिए, एक बार इसके नीचे से आप हल्का सा नाइफ या कुछ भी निकाल सकते हैं, और जितने भी हमारे पास ये डिफरेंट शेप्स के कटर हैं, ये देखिए स्टार है, ये क्रिसमस हट है, या आपके पास जो भी घर में कटर हो आप उससे काट सकते हैं। ये जो स्पेस बच रहा है आपको इससे घबराना नहीं है, क्योंकि ये वापस डो बन के फिर से रोल करके हम इसको यूज़ कर सकते हैं। अब इनको हम एक बेकिंग ट्रे पे लगाएंगे और फिर इसको बेक करेंगे। बेक करने के लिए जो हमारा है, आप ओवन को 160 डिग्री सेंटीग्रेड पे रेडी करके रख सकते हैं। घर का जो ओवन होगा उसमें 5 से 10 डिग्री टेम्परेचर कम करना है, सो 150 to 160 घर के ओवन में आप करेंगे। मैं यहाँ पे 180 डिग्री के ऊपर इसको बेक करूँगा
10 मिनट के लिए, दैट्स इट टिल ए गोल्डन ब्राउन कलर। तो अभी हम डस्ट करेंगे इसमें हल्की सी फ्लावर और ये कुकीज इसके ऊपर हल्के हल्के हाथों से रखेंगे। लेट्स बेक दिस 180 डिग्री फॉर 10 मिनट। सो ये हमारी कुकीज जा रही है ओवन में 10 मिनट के लिए। तो ये देखिए ओवन का टाइमर बज चुका है और हमारी कुकीज़ को भी कलर आ चुका है। सो लेट्स टेक इट आउट। ये देखिए नाइस गोल्डन कलर। सो हमारी कुकीज़ बेक होके बाहर आ चुकी है, तब तक हम उसकी टॉपिंग तैयार करते हैं। ये है हमारा एग वाइट, ये 2 से 3 अंडों का एग वाइट निकाला है हमने। इसके लिए रेसिपी की ज़रूरत नहीं है आपको, आप एग वाइट लेंगे, ये आइसिंग शुगर है, धीरे धीरे आप इस आइसिंग शुगर को इसमें ऐड करते चलेंगे और आपको इसको एक थिक सा पेस्ट बनाना है जो कि पाइप हो जाए आपसे। मेहंदी के जैसे कोन बनती है, हम वैसी ही एक कोन बनाएंगे और धीरे धीरे इसमें शुगर ऐड करते चलेंगे। ये देखिए आपकी ये रॉयल आइसिंग है जो तैयार है, ये आपकी इस कंसिस्टेंसी में होनी चाहिए। अगर आपको ज़्यादा पतली लग रही है तो आप इसमें थोड़ा सा आइसिंग शुगर और ऐड कर सकते हैं, और अगर आपको गाढ़ी लगे तो आप इसमें थोड़ा सा एग वाइट ऐड कर सकते हैं। तो हम इसको 3 कलर बनाएंगे जो क्रिसमस कलर्स भी होंगे, रेड, ग्रीन और तीसरा हम रखेंगे इसको वाइट, हमारी कुकीज़ की डेकोरेशंस के लिए। 3 कलर हमने जो कहे थे वो तीनों कलर हमने बना लिए हैं, वाइट, रेड और ये ग्रीन। हमने वाइट का प्रोपोर्शन ज़्यादा रखा है क्योंकि अगर ये बच जाएगा तो कोई कलर फिनिश होता है तो हम इसी से बना सकते हैं। अगर हम कलर पहले ज़्यादा बना देंगे तो हम वाइट यूज़ नहीं कर पाएंगे। सो अब ये देखिए आप जो मेहंदी के कोन, हालांकि सबको बनाने आते होंगे, ये हम पेपर से मेहंदी के कोन की तरह हम इसको बनाएंगे और इसमें हम हमारी आइसिंग डालेंगे। सो लेट्स पोर इट। ये देखिए आप इसके सेंटर में डालेंगे ताकि आपके हाथ गंदे ना हो, और इसको बहुत ऊपर तक नहीं भरना है क्योंकि हमें ये ऊपर से फोल्ड करना होता है। तो हम इसको ऐसे फोल्ड करेंगे, एक कीप बनाएंगे इसकी ताकि इसको अच्छे से हम पकड़ के और अच्छे से हमारी कुकीज़ को डिज़ाइन दे सकें। ये देखिए हमने हमारी तीनों कीपें तैयार कर ली हैं, और अब जैसे जिस जिस का जैसा कलर होता है हम उसको उसी हिसाब से डिज़ाइन करेंगे इसमें। पहले हम दिल से करते हैं क्योंकि हर चीज़ की शुरुआत दिल से होती है। तो ये देखिए मैंने इन्हीं तीनों कलर से जितने भी हमारे कुकीज़ थे सब किसी ना किसी डिज़ाइन से रेडी कर दिए हैं। हम उनको अब गार्निश करेंगे, कुछ मैंने गार्निश कर दिया है कुछ फिनिशिंग के लिए, यू कैन यूज़ इट लाइक दिस स्नोफ्लेक्स ऑन टॉप ऑफ इट, कहीं आप ये शुगर की वर्मिशली डाल सकते हैं जैसे सिल्वर बॉल्स, एनी वेयर वेर एवर यू वॉन्ट टू यूज़। तो ये आपका कुकीज़ का प्लेटर रेडी है, आप इसको जैसे भी चाहें डेकोरेट कर सकते हैं, जिस प्लेटर में चाहें सर्व कर सकते हैं। लेकिन एक बार पाइपिंग होने के बाद आप कम से कम इसको 15 से 20 मिनट तक का रेस्ट दीजिए ताकि जो हमारी आइसिंग है वो सेट हो जाए। मिनिमम आधा घंटा आप लेके चलिए और आधा घंटे के बाद दीज कुकीज़ आर रेडी टू ईट। आई होप आपकी एक दो कुकीज़ तो बीच में बच्चे ही ख़त्म कर देंगे जो आपको डेकोरेशन करने के लिए नहीं मिलेंगी। बच्चों को ये फ़न वाली एक्टिविटी बहुत पसंद आएगी और आप लोगों ने भी ये बहुत इन्जॉय किया होगा। सो इसी एन्जॉयमेंट और इसी हैप्पीनेस के साथ आई विश एवरी वन ए गुड हेल्थ, हैप्पीनेस एंड वेल्थ एज वेल, एंड विश यू ऑल मैरी क्रिसमस विद द वंडरफुल कुकीज़। थैंक यू।